तो हमारा सिक्स्थ पार्ट है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51. व्हाट आर दीज इंटीजर? तो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, यानी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर है. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार होता है, उसको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं. तो हमारा थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51. तो पहला लेते हैं, तो पहला x है, पहला इंटीजर x, फिर हम दूसरा इंटीजर लेंगे तो x प्लस 1, क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव है, लगातार आएगा, जैसे 7, 8, 9, तो वो कंसेक्यूटिव है. तो हमारा ये हो गया x, फिर हो गया x प्लस 1, फिर हो गया हमारे यहाँ x प्लस 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन, और इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा एड अप टू 51. तो इन सबको एड करेंगे तो 51 आएगा. यही हमारा इक्वेशन बन गया. तो इक्वेशन के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं. अब तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि x x और ये प्लस x, तो 3x, और हम प्लस कर देंगे 1 और 2 को, अगर हम प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 51. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. हम 3 को ले जाएंगे इस साइड, मतलब इज इक्वल टू के राइट साइड, राइट हैंड साइड, तो हमारा हो जाएगा 51 माइनस 3, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 48. ये हो गया हमारा. अब फिर हम x इज इक्वल टू लिख देंगे 48, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 × 3, 3 × 6 = 18. तो x आ गया हमारा 16. आप देख सकते हैं हमारा x आ गया है 16, यानी जो पहला इंटीजर है वो हमारा, हमको पता लग गया है कि वो है 16. अब हम सेकंड इंटीजर बताते हैं. तो हमारा सेकंड इंटीजर है x प्लस 1. तो x प्लस 1 है, तो x का मान है, मतलब जो हमारा निकला है वो 16 है. तो 16 प्लस 1 कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया 17. और फिर हमारा है एक x प्लस 2. तो x प्लस 2 यहाँ पर हमने लिखा, और हमने x का मान निकाला हमने 16. तो 16 प्लस हो गया 2, और ये हो गया हमारा 18. तो ये थे हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिसका एड होता है 51. मैं आपको दिखा देता हूँ. 16 प्लस 17 प्लस 18, तो 14. 21 का 1, 2 लिया कैरी, और यहाँ 51 इसका आ गया हमारा, ऐड कर. तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन. चलिए अब चलते हैं सेवेंथ पार्ट की तरफ.